अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, मैं आशा मोहम्मद कलिया ते तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल किसान दोस्त टीवी पी के। किसान दोस्तों, आज की वीडियो दे विच मैं तुहानू दसांगा कि आने वाले दिनों दे विच मौसमी सूरत हाल की रहेगी गंदम की फसल वास्ते, खासकर ते असी इस मौसमी सूरत हाल तो अपनी गंदम की फसल नू किस तरह महफूज रखना है, किस तरह असी अच्छी पैदावार लैनी है, इस वीडियो दे विच मैं तुहानू दसांगा। अगर तुसी मेरे चैनल ते नवे हो तो मेरे चैनल सबसक्राइब कर लो ताकि तुहाडे तक इस तरह दी मजीद होर वीडियो पहुंचदी रहे। किसान दोस्तों, अज दी डेट दे विच मुल्क दे बेशतर इलाकां च खासकर पंजाब और केपी के इलाकां च बदल नजर आ रहे हैं, लेकिन सारे इलाकां च बारिश नहीं हैगी। केपी, पेशावर, बलवाल, चनियोट, सरगोधा वाली साइड ते हल्की बारिश अज हैगी है, बाकी इलाकों च बारिश कौन नहीं हैगी। ये बदल अज के डेट के मैदानी इलाकों में तो साफ हो जाते, कल तिकर पहाड़ी इलाके भी साफ हो जाते। इन्हें तो बाद 13 तरीक नूं एक होर बदलों का सिलसिला आ रहा है, उन्हें भी बारिश कौन नहीं हैगी। इन्हें तो बाद दर्जा रात तेजी नाल बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिहड़ा साड़ी गंदम की फसल वास्ते बड़ा ही नुकसानदेह। तो किसान दोस्तों, असी अपनी गंदम की पैदावार मुतासर होने तो बचाने वास्ते सब तो पहले असी गंदम की फसल नूं भुखा प्यासा नहीं रखना, गंदम की फसल दे विच नमी बरकरार रखनी है, पानी जरूर लाना है। अगर पानी लग्या हो फसल दे विच ते दर्जा रात मोदे रहिंदा है, बराबर रहिंदा है, जिंदे नाल गंदम की पैदावार मुतासर नहीं होंदी। सानू एक अद्धा इजाफी पानी भी लाना पवे ते मौसम की सूरत हाल के हिसाब नाल एक पानी वध ला के असी अपनी गंदम की पैदावार नूं मुतासर होने तो बचावना है। इन्हें तो बाद किसान दोस्तों, असी अमीनो एसिड के दो स्प्रे जरूर करने ने ताकि साड़ी गंदम नूं बनी बनाई खुराक मिल जाए, तो दर्जा रात तो महफूज रहे, तो साड़ी पैदावार अच्छी आ जाए। किसान दोस्तों, ये एक दो सी अत्याधिक तदाबीर जिंदी वजह नाल असी गंदम की पैदावार असी मुतासर होने तो बचा सकते हैं।